बिहार मधुबनी के डिप्टी मेयर एवं महापौर नगर निगम नाजिया हसन एवं कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रत्याशी तमन्ना खान जमालपुर दौरा किए और लोगों को राहत सामग्री भी बांटे। आइए क्या कुछ कहें हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम नाजिया हसन महापौर दरभंगा नगर निगम। ये भैया ये बताएं कि क्या मांग करते हैं, जो स्थिति है उसके अलावा क्या मांग कर रहे हैं? देखिए यहाँ जो सरकारी जो व्यवस्था आप जो किए हैं वो भी बता दीजिए। जी सरकारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है पूरी तरीके से लचर है। प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जो हवा हवाई में घोषणा करके गए हैं, केवल ये घोषणा रह गया है। यहाँ पर जो है ना पोलोथीन भी सही से लोगों को नहीं है और लोगों की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर है। अभी भी बहुत सारे लोग जो है लापता है, प्रशासन उसकी खोजबीन नहीं कर रही है। न कम्युनिटी किचन सही स्तर से चल रहा है, न स्वास्थ्य व्यवस्था सही से चल रहा है। और जिन लोगों का घर बचा हुआ भी है उन लोगों के घर में रात में चोरी होती है, पुलिस गश्ती नहीं हो रही है। आम जनता जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में है और मानवता के नाते बहुत दर्द हो रहा है। लोग जो है लगातार जो है खाने पीने पोलोथीन वगैरह कपड़ा बस्तर का हम लोग अपनी ओर से व्यवस्था कर रहे हैं। प्रशासन यहाँ पूरी तरीके से विफल है और सरकार से को नैतिकता के आधार पर मैं ये समझता हूँ कि इतनी बड़ी त्रासदी आ गई, इतना बड़ा प्रलय आ गया और नीतीश कुमार एक लॉलीपॉप जो घोषणा किए हैं 7000 से आज जो है लोगों को 5 बांस नहीं खरीद पाएंगे और 7000 में लोग मकान कैसे बनाएंगे। सरकार जो है को नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बताएं कि बौराम क्षेत्र की अगर बात करें तो कितना पानी है और उस उधर कितना नुकसान हुआ है लोगों को? बहुत ज़्यादा नुकसान है। नुकसान की आकलन जो है हम लोग क्या करेंगे, नुकसान का आकलन यह है कि नरकटिया भूबोल जक्सो ढांगा जमालपुर खैसा पुनाच मुसरिया ये सब गांव तो समझिए कि इस सब गांव की सैकड़ों बिल्डिंग सैकड़ों मकान बह गया। क्या नाम पूरा? तमन्ना खान पूर्व विधायक प्रत्याशी 79 गोरा बोरा विधानसभा।